क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है? क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? 4 दिन साधना करके चले जाओगे, फिर वही लक्ष्य क्या बनाया है? जैसे एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है, मुझे उस परीक्षा में पास होना है, तो वो दिन रात मेहनत करता है, अंतिम जब परीक्षा का समय होता है वो सब भूल जाता है, खाना पीना कुछ भी नहीं। एकमात्र एक व्यापारी का लक्ष्य होता है धन कमाने का, वो धन के लिए विदेश में चला जाता है, भोजन छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, उसको धन चाहिए। एक माँ 9 महीने बेटे को गर्भ में रख के कितनी वेदना सहन करती है, और उसकी वेदना दूर हो जाती है जब बच्चे को देखती है। उसका लक्ष्य है पुत्र की प्राप्ति। ऐसे अभी तक जो पुराने नए साधक हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का होश क्या है? आत्मा के प्रति बोल दिया, क्या होश है? शब्द है आत्मा, तुमने पढ़ा सुना लिखा, पर क्या उस आत्मा का अप्लाई कर रहे हो? कितने होश से कर रहे हो? विवानी में आया होश, अस्तित्व के प्रति, आत्मा के प्रति होश है तो वो कर्म निर्जरा है। यदि वो होश नहीं है तो कर्म का बंधन है। चाहे तुम 2 घंटे ध्यान में बैठ जाओ, 2 घंटे भी ध्यान में बैठ जाओ तो कुछ होने वाला नहीं है। जोशवान से आपकी अस्तित्व के साथ गुजरी है वो तुम्हारी है। अब स्वयं देखो 1 घंटे की साधना में कितनी श्वान से उस होश में ले पाए हो, और कितना समय व्यर्थ कर दिया है। आपकी रुचि बदलेगी। एक आपने सुना कि यदि आपका होश जग गया अस्तित्व के प्रति, तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कामना वासना छूट जाएगी, आपका आकर्षण टूट जाएगा, आपका प्रग्रह छूट जाएगा, आपको देह के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, आपको भोजन के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। वो है क्या? बोलो, चिंतन करो। आप बार बार सुन रहे हो, आत्मा शब्द मत ले लेना, चले जाओगे साधना करके फिर वही स्थिति रहती है। यदि जीवन का रूपांतरण नहीं हुआ, होश जीवन में नहीं आया, होश का अर्थ समझो, जोश मास आपकी स्वयं में स्थित हो गई। आपने देखा, स्वयं में स्थित होना यही ध्यान है, यही वितरागता है, यही धर्म है, यही कौशल है, यही मौन है, यही कर्म बंधन निर्जरा का है, कर्म बंधन तोड़ करके एक स्वयं में स्थित होना। अब कितनी देर स्वयं में स्थित रह पाते हो? माना कि मन जाता है, पर लक्ष्य तो तय करो। यदि लक्ष्य तय किया तो होश कितना? माना आपने लक्ष्य तय कर लिया मुक्त जाना, इसके लिए कितना होश? क्या घर में जाकर के साधना करोगे? जो पुराने साधक हैं वो कम से कम 3-4 घंटे करें, नए साधक हैं 2 घंटे से शुरू करें, और आधे घंटे का कौशल शुरू कर दें करना, पीड़ा निश्चित होगी, क्योंकि आपने निमंत्रण दिया है कर्मों को। उस समय आपने देखना पीड़ा किसको हो रही है, मुझको नहीं हो रही, मैं आत्मा अनंत सुख से संपन्न, पीड़ा शरीर को हो रही है। और अच्छा है, मैंने कर्मों को निमंत्रण दिया है और वो कर्म कट जाएगा। देख, जैसे ध्यान में किसी को कभी यार यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ होगा, कभी पीठ में होगा, कभी पाँव में होगा, कभी कहीं होगा दर्द, ऐसा लगता है कि तोड़ दो, पर नहीं, जब कौशक में बैठ गए तो निश्चित वेदना आएगी, किसी को 10 मिनट के बाद, किसी को 15 मिनट के बाद, किसी को 20 मिनट के बाद। यदि आप आगे लंबा कौशक करना है, या आधे घंटे का नहीं चलेगा, 7 दिन के शिविर में 1 घंटा 1.5 घंटा कौशक आएगा। इसलिए हम कहते हैं 7 दिन का शिविर कर लो, तपो, सारी जिंदगी लगा दी, भगवान सारी सार रात खड़े हैं कौशक के अंदर, और परीक्षा ली जाती है, संगम देव ने कितने कष्ट दिए,
शरीर पर बिच्छू, चींटियां, सर्प, डंक मारे भगवान खड़े हैं। वो कौशक हमारा कहाँ, एक चूहा पास से गुजर जाए तो क्या होता है, छिपकली पास से गुजर जाए तो क्या होती। श्रद्धा रुचि, यदि श्रद्धा रुचि है सब कुछ आ जाएगा, यदि श्रद्धा रुचि नहीं, टाइम पास करने के लिए चार दिन आ गए ठीक है, उतना आपने कर्म हल्के कर लिए, फिर कर्म भारी हो जाएंगे। कर्म बंधन और कर्म निर्जरा कैसे होती है, एक आपको कहा गया कि सात कर्म एक श्वास में बंधते हैं और एक ही साथ कर्म निर्जरा होते हैं। गुरु जी ऐसी दया करो। चार महीने के चतुर्मास में जितने भी ध्यान शिविर हुए बहुत ही सुंदर हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला, आत्मा का बेसिक ज्ञान मिला। पर आचार्य जी, इस ध्यान साधना का रिन्यूअल कैसे होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे और इस साधना की बार बार प्रैक्टिस कैसे होगी, हमें मार्गदर्शन दीजिए। जब एक शिविर करने के बाद घर में कम से कम 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए यहाँ से पुस्तकें मिलेंगी पढ़ने के लिए, पितरा के विज्ञान है और पुस्तकें ले जाना, पेन ड्राइव ले जाना, वो सुनना, उसको करना। आपको विधि दे दी, प्रयास तुम्हारा है, घर में करो, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करो, स्थित हो जाओ। प्रैक्टिस तो तुम्हें करना है ना, देखो हमारी रुचि है, हमें जो रुचि है मिला, और हम कौन देने वाले, परमात्मा की कृपा बरसती है यहाँ से। यदि आपकी रुचि बढ़ गई, रुचि श्रद्धा, तो कहीं भी आपको मिलेगा। ये रुचि टेम्परेरी नहीं कि 15-20 दिन तो कर लिया उसके बाद धीरे 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 कम हो गया। कम से कम अभी जाते समय जो 4 दिन का शिविर कल पूरा होगा, संकल्प करना कम से कम 2 घंटे तो करना ही है। खाना छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, 2 घंटे करो। लक्ष्य के प्रति होश रखो, होश। होश का समझ गए क्या होता होश, जैसे माँ, देखिए छोटा बच्चा, तो माँ हो ना, छोटे बच्चे को कैसे पाला, बच्चा कहीं दूर चला जाता है, तुम खाना बनाती थी, बात भी करती थी, आपका होश कहाँ था, बच्चे के प्रति होश है कि नहीं, बच्चा कहीं चला ना जाए, वो होश। तुम्हारा नाम राजश्री है, होश है कि नहीं, याद रखना पड़ता है, आधी रात को बुलाओ राजश्री, जाग जाएगी। अब राजश्री भूल जाओ, आत्मा, कितना हमें होश शरीर के प्रति है, मान सम्मान के प्रति है, आसक्ति है, उसको भुला करके आत्मा पर लाओ। समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, होश बना रहे। भूलोगे, भटकोगे, खाना खाते समय बहुत बार भूलोगे, पर जैसे जैसे करते रहोगे आपका होश बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। अभी 3 दिन में आपका होश बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसको बढ़ाना है, कंटिन्यूसली बढ़ाना है, रोज ध्यान करना है, 2-3 घंटे जितना समय मिले करो। यदि आपका लक्ष्य मुक्त, यदि आप स्वयं में स्थित होने लग गए, स्वयं में रुचि आ गई, तो निश्चित मुक्त जाओगे, आपकी रुचि बदल जाएगी। घर में रहोगे पर घर में आपको अच्छा नहीं लगेगा। आत्मा, जहाँ आत्मा का सत्संग होगा, जहाँ आत्मा की चर्चा होगी, जहाँ आत्मा का ध्यान होगा, तुम खिंचे चले आओगे। यह होश मटकी ऊपर रखनी नहीं है, जैसे वो मटकी पनिहारी कुंभ ना बिसरे, नट भी नृत्य निधान, वो नट जो नृत्य करता है उसकी रुचि क्या कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ऐसे कितने लोग होशपूर्वक खाना खाते, हाथ खड़ा करो जरा, एक होश ही साधना है, विवेक, महावीर का विवेक, ये सब आपको बता दिया। विवेक स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति जागरूकता, कितनी जागरूकता है। जरा सा किसी ने अपमान कर दिया हम भूल जाते हैं, सम्मान कर दिया हम भूल जाते हैं, ये शरीर का अपमान है, सम्मान है, धन आएगा चला जाएगा, शरीर रहेगा नहीं रहेगा, बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, आएगा शरीर को आया, मुझको नहीं आया। भेद ज्ञान करो और आत्मा में स्थित होने का पुरुषार्थ करो। आज की सारी साधना
होश की थी, स्वय की थी, इसको ऐसे मत समझो। तुम्हारा अनंत पुण्य है कि तुमको ये साधना मिल रही है। लोग नहीं समझ पा रहे इस साधना को भी, तुम्हारा अनंत पुण्य है और ऐसी वाणी तुम्हें कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ये अरिहंत वाणी है। मैं बार बार कह रहा हूं, समझो इसको, समझो, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, तुम मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। यदि शंका उठी ये कैसे वो कैसे, किंतु परंतु आया, गिर गए, होश में आओ। भक्ति का अर्थ क्या? कृतज्ञता। सुनो भक्ति से, एक एक शब्द को भीतर लेके जाओ, होश बना रहे तुम्हारा। ये लास्ट की जो भक्ति है, कृतज्ञता है प्रभु के प्रति। प्रभो आपने अनंत दिया है, मैं डूब गया हूं, और उसको तुम अंतःकरण से सुनो। भक्ति इसलिए रखी जाती है रात को कि तुम सुबह से शाम तक करते हो प्रभु के प्रति कृतज्ञता। कोई गुरु, कोई परंपरा, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। गुरु जी ऐसी दया करो कि जैसे ही मैं कुछ लग रहा था कि क्या आगे क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पा रही, साथ ही वाणी आती थी और मेरे को लग रहा था मेरे पास कोई खड़े होके मेरे को गाइड कर रहा है कि अब तू ऐसे कर, बस थोड़ी देर, अभी तू शून्य में पहुंच जाएगी। और शून्य में आपने सबने साधना खत्म भी हो गई और वंदन भी कर लिया, लेकिन मेरे से तो हाथ, मेरे को पता ही नहीं था मेरा शरीर कहाँ पर है, ना मेरे से हाथ ही लाया जा रहा था और मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को बस यही फील हो रहा था कि जैसे मेरा बाहर का खोल बस खुल गया, शरीर खुल गया, शरीर अलग हो गया। हाँ जी। और आत्मा अलग, और आत्मा मेरे मतलब वो अब यहाँ से निकलने को तैयार है बस ऐसे। देखो, ये भेद ज्ञान है। ऐसा ऐसा मेरे को महसूस हुआ। मेरा मन ही नहीं कर रहा था तब कि मैं अपना शरीर हिलाने की कोशिश भी करूँ, और मुझे पता भी नहीं था मेरा शरीर कहाँ पर है। मेरे शरीर पर उस समय कुछ होता तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या हुआ मेरे शरीर, मतलब मेरे को हर बार यही लगा कि मेरे को पास आके कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये पास ही है प्रभु की वाणी जो बरस रही है, कहां मां भी दे। भगवान इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी प्रार्थना की थी मैंने इस बार यहाँ कि मेरे को वो जो चीज शून्य की है वो नहीं मिली। भगवान मेरे को इस बार वो चाहिए ही चाहिए, और वो मेरे को बस जैसे उंगली पकड़ के वो वहां तक लेकर गए हैं, मुझे ऐसा ही लगा इस बार। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भेद विज्ञान कर दीजिए, जड़ चेतन का भेद। केवल आत्मा आत्मा, निर्विकल्प निर्विचार आत्मा। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस आते जाते श्वास के साथ रहें। एक एक श्वास अनमोल है, एक एक समय बहुमूल्य है। जैसे दृष्टा भाव से देखोगे, आपके विचार स्वयं शांत होंगे। ध्यान के अंतर्गत कोई साता की चाहना नहीं रखना। यहां उद्देश्य साता का नहीं, सुख का नहीं, सुख का रहेगा। सुख आत्मा में है, साता शरीर की है। अब सुख साता पूछते हैं ना महाराज, सुख साता है, सुख यानी आत्मा का सुख, साता यानी शरीर का साथ। किसी आकार को सोचना नहीं, विचारना नहीं, जीव तो निराकार है। अपने निराकार तत्व में स्वयं को स्थित कर ले। अरिहंत समान, सिद्ध समान, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, त्रिकाल सत्य हूँ, अटल सत्य हूँ, परम सत्य हूँ।
उस आत्मा को जानो और देखो आत्मा का स्वभाव इसमें रमन करो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में और न शरण जो भव्य प्राण।